ब्लैक और व्हाइट कलर से करते हैं। हाँ जैसे ये लड़की है, ये पता, ये भी उसी से पढ़ी हुई है, एमिटी यूनिवर्सिटी से, बीसीए कर रखी है। तुमने, तुम्हारा काम कहाँ है? हाँ ये अच्छा काम करती है। किसका किसका विजी अपडेट किस पे करा अपडेट? अभी देखते हैं, अभी तू कर ले अपने एंड से, मैं फिर बैठ के बैठूंगा, फ्री होके फिर मैं करूँगा, ठीक है? भेजूँगा मैं, एक बार चेक कर लूँगा ये कितना सही काम करती है। हाँ हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ बाकी तो अच्छा लग रहा है काम, ठीक है। और किस किसने बनाया? रितु ने बनाया। रितु ने क्या बनाया, एक बार चेक करते रितु का भी। ओके हाँ ये तो ठीक लग रहा है। वो कम है, चैट थोड़े बहुत जो आते हैं, कईयों के गायब है, कईयों के गायब। हाँ ये भी चैट गायब है। और आज इसने नहीं बनाया क्या सोमिल ने? कुछ सोमिल, सोमिल एनिमेशन का लास्ट पढ़ा हुआ सोमिल का। चलो ठीक है आगे करते हैं। आज मैं आपको कराऊंगा न्यून इफेक्ट फोटोशॉप में। न्यून इफेक्ट आप किस तरीके से, एक ऐसा इफेक्ट दे सकते हो, लाइक आप इस तरीके का इफेक्ट बना सकते हो, ऐसा कुछ। तो अपन भी ना एक काम करते हैं, ऐसा पोस्टर बनाते हैं और इस तरीके का इफेक्ट देते हैं, ठीक है? तो मैं एक फुटबॉलर की इमेज ले लेता हूँ, फुटबॉलर। हाँ तो यहाँ से फुटबॉलर की इमेज ले लेते, कलर और थोड़ी सी डार्क सी इमेज ले लेते हैं। हाँ कौन सी इमेज सही रहेगी? चलो ये वाली फोटो ले लेते हैं। इसको मैं फोटोशॉप में ले आता हूँ। थोड़ा सा इतना स्लो पे चल रहा है। ये आ गया, कंट्रोल एन कर लेते हैं, नई फाइल ले लेते हैं और कंट्रोल वी कर लेते हैं यहाँ पे, ये आ गया, ठीक है। मुझे क्या करना है, बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए मेरा इमेज की क्लैरिटी काफ़ी सही दिख रही है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसका बैकग्राउंड सिलेक्शन कर लेता हूँ। ये लड़की कहाँ रह गई? और ऐसे सिलेक्शन कर लिया, ये सिलेक्शन आ गया। और मुझे ना क्या करना है, ये जो का एक्स्ट्रा सिलेक्शन आ गया यहाँ पे, ये सिलेक्शन हटाना भी है, ये वाला सिलेक्शन हटाना है, तो हम लेसो टूल की हेल्प ले सकते हैं। हाँ
ये मैंने ऐसे सिलेक्शन कर लिया, ये सिलेक्शन आ गया हमारे पास। यहाँ से हम थोड़ा सा, हाँ, पेन टूल से नहीं किया मैंने, वो लेसो टूल लिख के। ठीक है, तो ये मैंने क्या करा है, बस अभी इतना सिलेक्शन कर लिया ये था। ठीक है, बैकग्राउंड रिमूव कर लेते इसका, कंट्रोल जे दबा के मैंने डुप्लीकेट कर लिया, इसको डिलीट मार देते। कोई मुझे बताएगा एजिस सॉफ्ट कैसे होते हैं, एजिस कैसे सॉफ्ट होते हैं? फैदर में जाके हाँ, होते फेदर में जाके। तो पहले कंट्रोल दबा के सिलेक्शन करना होता है, शिफ्ट एफ सिक्स करना होता है, यहाँ से फेदर डालना होता है। कितना फेदर चाहिए, 20 पिक्सल मैंने फेदर डाल दिया, तो देखो इससे फेदर आ गया। और आपने क्या करना है, इसको कंट्रोल जे कर देना है, इसकी आइस को बंद करेंगे, देखो फेदर इस तरीके से फेदर आ रहा है यहाँ पे। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा कम करता हूँ, सिलेक्ट में गए, शिफ्ट एफ सिक्स और 5 पिक्सल का फेदर दिया हमने, और ओके करा। और अब अपन क्या करते हैं, कंट्रोल जे कर देते हैं, इस लेयर की आइस को बंद कर देते हैं, बस ये हो गया हमारे पास। अब एक काम करते हैं, बैकग्राउंड तो दे देते इसका, यहाँ से मैंने इसको बैकग्राउंड दे दिया ऐसे, और इसका कलर दे देते अपन ब्लैक कलर, ये आ गया। और इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, हाँ, तो ये मेरे पास इस तरीके से आ रहा है। मुझे करना क्या है, इसे न्यून इफेक्ट दिखाना है। न्यून इफेक्ट कैसे आएगा, लाइक मुझे कहाँ कहाँ न्यून इफेक्ट दिखाना है, मुझे ना इसकी बॉर्डर बॉर्डर पे ऐसे न्यून इफेक्ट दिखाना है। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे न्यून इफेक्ट दिखाता हूँ इतनी एरिया पे। तो मैंने क्या करा, इमेज के ऊपर थोड़ा सा ब्राइटनेस दे दी, यहाँ से गए और यहाँ पे एक ऑप्शन है ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट का, यहाँ से मैंने इमेज को थोड़ा सा ऐसे डार्क सा कर दिया ऐसे कुछ। ऐसे कुछ रख दिया, ठीक है, यहाँ मैंने ऐसे रख दिया इमेज को, बस ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, मुझे यहाँ पे ना थोड़ा सा ग्लो दिखाना है, तो ग्लो दिखाने के लिए मैंने पेन टूल लिया और ना यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे ड्रॉ कर लिया हमने। ये आ गया, इसे मुझे ना ग्लो करता हुआ दिखाना है। तो ग्लो करते हुए दिखाने के लिए आपने क्या करना है, ऐसे सिलेक्ट कर लिया आपने ना, यहाँ पे राइट क्लिक करना है पेन टूल से, पहले एक नई लेयर ले लेना, हाँ एक नई लेयर ले ली मैंने, और मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, एक ऑप्शन आएगा स्ट्रोक पाथ, इस पर क्लिक करना, और आपको पहले चूज कर लेना होगा कि कौन से कलर का ग्लो दिखाना। तो मुझे रेड कलर का ग्लो दिखाना है, मैंने रेड कलर चूज कर लिया। और ब्रश का साइज बी दबाना, बी से ब्रश का ब्रश आ जाएगा, किस साइज का ब्रश रखना है वो सेट कर लेना। तो मैंने ब्रश थोड़ा सा इतना ऐसा रख लिया। अब आपने पेन टूल लेना है, राइट क्लिक करना है, स्ट्रोक ब्रश पाथ पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। तो देखो क्या हुआ, इसके ऊपर ब्रश चल गया होगा, ठीक है, एक बार चेक करते हैं। देखो ऐसे ब्रश चला इसके ऊपर, ठीक है, मैं वापस आता हूँ। तो मैंने ब्रश चलाया इस तरीके से, एक काम करते हैं, बी दबाते हैं, ब्रश की ऑफिस फ्लो कम है, एक बार फ्लो को बढ़ा देते हैं और अब फिर चलाते हैं, राइट क्लिक, स्ट्रोक पाथ और ब्रश। तो ये चल गया इस तरीके से ब्रश, ये ऐसा आ रहा है हमारे पास, ठीक है, इस तरीके से आ गया। मुझे थोड़ा सा ग्लो दिखाना है यहाँ पे, तो मैं एक काम करूँगा, एक पेन टूल फिर से लूँगा और इसके अंदर मैं वाइट कलर दूंगा यहाँ पे, फिर बी दबाना है, ब्रश का साइज थोड़ा सा कम कर लेना और राइट क्लिक करना, फिर से इसी लेयर पे स्ट्रोक पाथ पे क्लिक करना और ब्रश चूज करके यहाँ सिमलेट पे चेक कर रखना इसे और ओके कर देना। तो वाइट कलर आ गया होगा, यहाँ वाइट कलर आ गया इस तरीके से, ठीक है। पर अब मुझे ग्लो करता भी दिखाना है इसे, तो अपन क्या करेंगे, इसको फिर इसको यहाँ से इफेक्ट्स में जाएंगे और आउटर ग्लो यूज करेंगे, आउटर ग्लो, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा कलर दिखाना है,
रेड कलर ये आ गया, और साइज को बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा आ रहा है हमारे पास, और ओके कर देते हैं। तो ये ग्लो हमारा इस तरीके से ग्लो कर रहा है। अच्छा, एक काम और करता हूँ मैं, इसी की डुप्लीकेट कर लूंगा, थोड़ा सा और ज़्यादा डार्क हो जाएगा, और नीचे वाली लेयर को स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना लेना है। अब आप फिल्टर में जाना और ब्लर कर देना इसको, ब्लर गॉशियन ब्लर, यहाँ से आप इसके इसको ब्लर मार देना ऐसे कुछ, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, मुझे ये पूरे पे चाहिए ग्लो, तो अपन एक काम करते, इसका सिलेक्शन ले लेते पेन टूल से, सॉरी पेन टूल से कह रहा हूँ, डायरेक्ट इससे कंट्रोल क्लिक करके यहाँ सिलेक्शन ले लेना। मुझे पूरे पे ग्लो चाहिए, तो अपन एक काम करेंगे, यहाँ से एक नई लेयर ले लेंगे, यहाँ पे एक पाथ का ऑप्शन आता है, इस पे क्लिक कर देंगे, तो ये देखो ये पाथ बना आ जाएगा। ठीक है, तो ये पाथ बना आ गया, इसके ऊपर आपने क्या करना है, बी दबाना है, बी से ब्रश आ जाएगा। कौन से कलर का ब्रश चाहिए वो सेट कर लेना है, तो मुझे रेड कलर का ब्रश चाहिए, और आपने ना यहाँ पे क्लिक कर देना, देखो ये ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो यहाँ ब्रश ड्रॉ हो गया होगा, चेक करें एक बार ही। अच्छा, ड्रॉ होने दो, अब एक व्हाइट कलर और ले लेते हैं, मैंने व्हाइट कलर ले लिया, अब ब्रश का साइज और कम कर लेते हैं और फिर से क्लिक कर देते हैं यहाँ पे, तो ये बन गया होगा हमारे पास, तो चेक करें एक बार ही, कंट्रोल एंटर, तो ये देखो ये ऐसा कुछ आ रहा है, तो इसके चारों तरफ भी क्या हो गया, इसी तरीके से चल रहा है। अगर आप चाहते हो एक ही बेस में आए, मतलब अभी देखो क्या हो रहा है, इधर से ज़्यादा डार्क आ रहा है, इधर से लाइट आ रहा है, इधर से लाइट आ रहा है, इधर से डार्क आ रहा है, तो वो कैसे होगा सही, आपने क्या करना है, बी दबाना है, F5 दबाना है, यहाँ पे ना आपको इसे अनचेक कर देना है, इसको अनचेक कर देना है, इसको भी अनचेक रखना है, इसको भी अनचेक रखना है। अब करना है, दोबारा करते हैं, बी दबाया, ब्रश लिया, पाथ पे गए, पहले पाथ पे क्लिक किया, फिर आपने यहाँ क्लिक कर दिया, कौन से कलर से क्लिक करना है ये ले लेते हैं, और यहाँ पे क्लिक कर दिया, फिर आपने बी दबाया, ब्रश लिया, अब मुझे अलग कलर का चाहिए, तो मैंने इसके साइज को कम कर दिया, ये कलर दे दिया, और मैंने फिर से यहाँ पे क्लिक कर दिया, अब देखते क्या हुआ। तो देखो इस तरीके से कुछ आ रहा है ये। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसी की डुप्लीकेट लेते हैं, कहाँ है लेयर हमारी, F7 से आई थी लेयर, तो ये ऐसा कुछ आया अभी फिलहाल हमारे पास, एक ग्लो तो ये आ रहा है, और एक ग्लो कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है इस लेयर पे, ये देखो ये आ रहा। आप क्या करना, इसी की डुप्लीकेट करना, ये थोड़ा डार्क हो जाएगा, और नीचे वाली लेयर को फिल्टर में जाओगे और यहाँ से ब्लर मारना और गॉशियन ब्लर ले लेना, तो ये हमारा थोड़ा ब्लरी सा इफेक्ट देगा। ठीक है, ये ब्लर हो रहा है, थोड़ा ग्लो मार देते हैं यहाँ पे एफएक्स में जाके, आउटर ग्लो, आउटर ग्लो कहाँ रहा है हमारे पास, ये रहा, और हमने यहाँ पे इसका साइज को बढ़ा दिया ऐसे, ओपेसिटी फुली है ही हमारे पास, तो ये ग्लो इस तरीके से आ रहा है। अगर मैं इसे नॉर्मल रखता हूँ तो ऐसा कुछ आ रहा है, पर मुझे मल्टीप्लाई मोड ही चाहिए ताकि मिक्स आए, तो यहाँ मैंने ऐसे सेट कर दिया। ठीक है, तो ये ऐसा आ रहा है हमारे पास, ये जो मोड है इसको चेंज करके देखते हैं, इसके मोड को कौन सा अच्छा लग रहा है, तो अलग अलग मोड यूज करके देखो। तो ये रख लेते हैं, ठीक है। अब मुझे ना ऐसे ना यहाँ पे ना इस तरीके से थोड़ा रिंग सी निकलते हुए दिखानी है, तो देखो कैसे निकलेगी, लाइक मैंने फिर से पेन टूल लिया, यहाँ पे मैंने ऐसे यूँ ड्रॉ किया, ऐसे ऐसे लेयर सी दिखानी है। ठीक
चलो ये ऐसे आ गया हमारे पास, ये ऐसे आ गया, इसको हमने यहाँ रख लिया। हाँ तो क्या करेंगे अपन, हाँ तो हम क्या करेंगे, एक नई लेयर ले लेंगे, यहाँ राइट क्लिक करेंगे, स्ट्रोक पाथ पे क्लिक करेंगे, कौन सा कलर का ब्रश चाहिए पहले बी सेट कर लो, बी दबाओ ब्रश आ जाएगा, ब्रश का साइज सेट कर लो, कौन सा कलर का ब्रश चाहिए, इस कलर का मुझे ये ग्लो सा चाहिए, तो हमने यहाँ पेन टूल लिया, राइट क्लिक किया, स्ट्रोक पाथ पे क्लिक किया, ब्रश लिया और ओके कर दिया। तो देखो ये ऐसा कुछ लाइट सी आ गई, अब मुझे व्हाइट कलर की लाइट चाहिए, तो बी दबाया, व्हाइट कलर लिया, ब्रश का साइज हमने यहाँ से छोटा कर दिया इस तरीके से, फिर से हमने पेन टूल लिया, फिर से राइट क्लिक किया, फिर से स्ट्रोक पाथ पे क्लिक किया और हमने ओके कर दिया, तो व्हाइट कलर का ब्रश आ गया होगा यहाँ पे, कंट्रोल एंटर, ये देखो ये ऐसा कुछ आ रहा है हमारे पास। ठीक है, और मुझे ऐसे दिखाना है कि ये लेयर जो है ना वो इसमें से यूँ निकल रही है और ये पीछे से निकल के फिर आ रहा है, ऐसा कुछ दिखाना है। तो अपन एक काम करते हैं, इस लेयर को मास्क कर देते हैं। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, मास्क कर दिया हमने यहाँ पे, और ये जो लेयर है ना ये वाली, इसका कंट्रोल दबा के मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ, तो इससे क्या होगा, मैंने सिलेक्शन कर रखा है तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, बी दबाऊंगा, लाइक मुझे कहाँ से, यहाँ से हटाने से, तो हमने बी दबाया, ब्रश लिया और ऐसे ब्रश ड्रॉ कर दिया इसके ऊपर, तो इससे बाहर नहीं चलेगा ब्रश, हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो सिर्फ इसके अंदर ही अंदर ब्रश चलेगा, ऐसे बाहर नहीं आएगा। तो देखो ये हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, इस वाले को मैं थोड़ा और ब्लरी मार देता हूँ, इस वाले को मोड चेंज करके देखते हैं इनका। सॉफ्ट लाइट कहाँ आ रही है, यहाँ पे मैंने ऐसा रख दिया, आया समझ में। तो देखो ये क्या हो गया, इस तरीके से न्यून इफेक्ट बन गया, लाइक आप किसी कुछ भी का, किसी भी चीज़ का न्यून इफेक्ट बना सकते हो, जैसे मुझे अगर ये पूरा शाइन करते हुए दिखाना है, पेन टूल लिया, ऐसे सिलेक्शन कर लो, कंट्रोल एंटर कर दिया, फिर नई लेयर ले ली और यहाँ पे कलर दे दिया हमने, कौन सा कलर चाहिए, मुझे ये वाला कलर चाहिए या, हाँ ठीक है, और बैकस्पेस कर दिया, ये ऐसा आ गया। ठीक है, और यहाँ से मैं इसे फिल्टर में जाता हूँ और फिर से मैं इसको ब्लर मारता हूँ, ब्लर और गॉसियन ब्लर, ठीक है, ठीक है, ऐसे सेट कर लो, ये देखो हमारा ग्लो कुछ इस तरीके से मारा, लाइक आप किसी भी चीज़ को ऐसे ग्लो करते हुए दिखा सकते हो। ठीक है, अगर टेस्ट होता या लाइक मुझे यहाँ पे फुटबॉल लिखना है, फॉन्ट का साइज बढ़ा लेते हैं, कंट्रोल टी, ठीक है, इसमें भी ग्लो करते हुए दिखाने, तो क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो अगर टेस्ट है तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा क्रिएट वर्क पाथ, उस पर क्लिक कर देना,
ठीक है, अब आप एक नई लेयर ले लेना और यहाँ पे पाथ में जाना और बी दबा के ब्रश लेके कौन से कलर का ग्लो दिखाना है आपने सेट कर लिया यहाँ पे। हाँ और क्या करना है आपने, यहाँ पे क्लिक कर देना है, यहाँ क्लिक हो गया। देन अब व्हाइट कलर ले लेते हैं और इस ब्रश का साइज छोटा कर लेते हैं और फिर यहाँ क्लिक कर देते हैं। तो देखो कंट्रोल एंटर, ये देखो ये ऐसा कुछ आ गया हमारे को। लेयर पे जाके देखते हैं, अभी एक बार मैं इसकी आईज को ऑफ करता हूँ तो देखो ऐसा कुछ आउटपुट आ रहा है। ठीक है, थोड़ा ग्लो करके दिखाते हैं इसे। तो मैंने एक काम करा, मैंने इसी लेयर की कॉपी कर ली, कंट्रोल जे, इसको उठा के नीचे रख लिया ऐसे, और इस लेयर को ना अपन ना ब्लर कर देते हैं। तो फिल्टर में गए, ब्लर और गॉसियन ब्लर। देखो अभी एक ऑप्शन आएगा कि इसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना लो, तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और यहाँ से हम ऐसे ऐसे ब्लर मार देते हैं। तो ब्लर मारेंगे तो ये पीछे ग्लो का काम करेगा, तो ये ग्लो का काम कर रहा है इस तरीके से। आया समझ में आपको? एक बार मैं इसकी आईज को ऑफ करके देखता हूँ, तो देखो ये इसका पीछे ग्लो का काम कर रहा है। ठीक है, तो इसे न्योन इफेक्ट बोलते हैं। तो अब ना एक काम करते हैं, न्योन इफेक्ट कैसे बनाना है वो तो हमने देख लिया, अब इसके रिलेटेड एक पोस्टर निकालते हैं, वो बनाने की कोशिश करते हैं। तो मुझे ना कुछ कंटेंट मैं लेके चल रहा हूँ कि ये कंटेंट रहेगा और इसके ऊपर मैं एक पोस्टर डिजाइन करता हूँ, तो कोशिश करूंगा मैं उसमें न्योन इफेक्ट यूज करने का। तो अपन करते हैं एक पार्टी। ठीक है, पार्टी, और पार्टी कब है? पार्टी है 25 दिसंबर को। ठीक है, और कहाँ पे पार्टी? पार्टी है नोएडा में, सेक्टर 15 में। और कौन सा क्लब है? माई बार है। ठीक है, और क्या है यहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे म्यूजिक है, लाइव म्यूजिक है, और टाइम जो है इसका वो है 8 PM टू 1:30 AM, ये टाइम है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें अब इससे रिलेटेड ना पोस्टर बनाते हैं और इसमें न्यू निफेड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगा पोस्टर के लिए? एक साइज़ चाहिए होगा, तो मैं यहाँ पे A4 शीट ले लेता हूँ। A4 शीट ले लिया हमने यहाँ पे, ये आ गया। और इसका कलर दे देते पीछे ब्लैक कलर, ब्लैक कलर दे दिया। ठीक है, पीछे मुझे ना ग्लो दिखाना है थोड़ा सा, तो कौन से कलर की थीम चाहिए मुझे? ब्लू कलर की थीम चाहिए। तो आपने यहाँ पे जाना एडजस्टमेंट में, और यहाँ पे ग्रेडियंट का ऑप्शन होता है, आप ग्रेडियंट पे क्लिक करना और अब कोई एक कलर चूज कर लेना। तो मुझे कलर ब्लू कलर की थीम चाहिए, तो मैंने ब्लू कलर रख लिया यहाँ पे। और इसको ना आप लीनियर, यहाँ पे लीनियर लिखा होगा, लीनियर की जगह रेडियल कर देना। इसको उठा के जहाँ भी आपको रखना है वो यहाँ सेट कर लेना और यहाँ से स्केल कर लेना। ठीक है, गुड इवनिंग। तो यहाँ से हमने क्या करा, इसे स्केल कर लिया, ये आ गया। चलो, तो ये तो हमारा बन गया पीछे का बैकग्राउंड। ठीक है, जो बैकग्राउंड रहेगा वो ये रहेगा। अब सेकंड क्या है? कंटेंट। तो कंटेंट ये रहा पार्टी। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, गूगल पे जाता हूँ और एक अच्छा सा फॉन्ट ढूंढ लेता हूँ, लग्जरी फॉन्ट। अच्छा, तो कौन सी वेबसाइट से निकाले फॉन्ट? ये वाली वेबसाइट से निकालते हैं, यहाँ पे काफ़ी सही मिल जाएंगे फॉन्ट। तो लग्जरी फॉन्ट थोड़े से ना ऐसे होते हैं, अगर ये सर्च करोगे तो लंबे लंबे से फॉन्ट, थोड़े स्टाइलिश से फॉन्ट मिल जाएगा। तो अपन ये वाला फॉन्ट यूज़ कर लेते हैं, ऐसा कुछ चाहिए मुझे फॉन्ट। ये वाला ले लेते हैं। डाउनलोड कैसे होता है इसके अंदर? ये रहा, ये वाला अच्छा लगेगा।
हाँ तो ये वाला फॉन्ट आ गया हमारे पास। आप भी ना अपनी फॉन्ट की ना एक लाइब्रेरी बनाओ जिसमें अच्छे अच्छे फॉन्ट यूज करो। ये वाला फॉन्ट भी यूज कर सकते हैं, अच्छा लगेगा ना ये भी। तो अपन ये रख लेते हैं, राइट क्लिक, एक्सट्रैक्ट, और ये कहाँ पे एक्सट्रैक्ट हुआ है ये रहा। और इसे यूज कैसे करते हैं, आपको दोनों को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, इंस्टॉल कर लेना है। अब इसे यूज करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ म्यूजिक, म्यूजिक, और इसका फॉन्ट हमने कौन सा डाउनलोड किया है, मैक्स ब्लेंड, और ठीक है, और ये वाला फॉन्ट ले लिया हमने। ये फॉन्ट हो गया हमारे पास, इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ। इसका कलर कौन सा अच्छा लगेगा, व्हाइट कलर, तो यहाँ मैं व्हाइट कलर रख लेता हूँ। और अपन यहाँ पे लिख देते लाइव म्यूजिक, तो लाइव म्यूजिक के लिए मैंने दूसरा फॉन्ट डाउनलोड किया था। कोडिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं घर पे। प्रैक्टिस करते हैं कोडिंग की, जो लेआउट कल दिया था बन गया वो पूरा, क्यों? तो यहाँ पे आए, यहाँ पे टाइप टूल कर लेते हैं। यहाँ पे इसके ऊपर कोई कलर बताओ मुझे, कोई व्हाइट कलर के अलावा कौन सा कलर अच्छा लगेगा? क्या यार ये पिंक क्यों बोलते हैं यार, इतना बुरा सा कलर। और कोई कलर? येलो हाँ येलो अच्छा दिखेगा। ये लाइव रख लेते हैं, और यहाँ पे, और यहाँ पे अपन येलो कलर ले लेते हैं जो हाईलाइट हो ब्लू के ऊपर। इसका कलर अपन ये ले लेते हैं। चलो अब ग्लो दिखाते हैं। तो किसके पीछे ग्लो दिखाना है मुझे, इसके पीछे ग्लो दिखाना है, इस वाले टेस्ट के पीछे। तो राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा क्रिएट वर्क पाथ, इस पे क्लिक कर देना। देन क्या करना है, एक नीचे लेयर लेना, बी दबाना, ब्रश लेना, कौन से कलर का ब्रश वो चाहिए वो सेट कर लेना, और यहाँ पे जाके आपको पाथ में जाके यहाँ क्लिक कर देना है। तो ऐसे आ गया हमारे पास। अब इसका साइज, इसका ना ये कम कर देना और वाइट कलर दे देना यहाँ से, और फिर से यहाँ क्लिक कर देना, कंट्रोल एंटर। ये ऐसा कुछ आ रहा है हमारे पास थोड़ा। हाँ ये क्या चीज, इस ऑप्शन का मतलब होता है कि जब आप पाथ आपने सेलेक्ट कर रखा है ना, अगर आप यहाँ क्लिक करोगे तो ना ब्रश हो जाएगा। तो पाथ के ऊपर ब्रश करने के लिए ये यूज करते हैं हम। तो ये देखो यहाँ पे इस तरीके से ऐसा, हाँ नियोन इफेक्ट आ जाएगा, वो ब्रश से ड्रॉ होगा ना, आपने बी दबाव रखा है, ब्रश ले रखा है, तो ये क्या करेगा, स्ट्रोक को फिल कर देता है। तो देखो मैंने ऐसा कुछ रख लिया, देन मैं लेयर पे आता हूँ और मैं इसको थोड़ा सा ब्लरी मार मार देता हूँ। फिल्टर में जाके ब्लर में गए और गॉशियन ब्लर यूज कर लिया। तो ये ऐसा कुछ आ रहा है, थोड़ा सा और लुक देना है। तो एक तरीका और है, आप ना क्या करना, कंट्रोल दबा के इसका सिलेक्शन कर लेना, नई लेयर लेना, जी दबाना, ग्रेडियंट लेना, कौन सा ग्रेडियंट चाहिए वो ग्रेडियंट सेट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ये वाला ग्रेडियंट ले लेता हूँ, और यू ड्रैग मार देना, थोड़ा मिक्सिंग सा कलर आ जाएगा इसमें भी। और अगर इसे मिक्स करना है तो थोड़ा सा मोड चेंज कर लेना। तो देखो ये ऐसा कुछ आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो लाइव म्यूजिक मैंने ऐसे लिख दिया, यहाँ पे मुझे लाइट दिखानी है। तो कोडिंग
कौन सा बैकग्राउंड अच्छा लगेगा? ये यूज कर ले बैकग्राउंड, ऐसा कुछ दूसरा देखते जरा। कॉपी किया यहाँ पे, ये ऐसा ले लेते हैं, ठीक है, इसको यहाँ रख लेते हैं। और मोड कुछ यहाँ चेंज करते हैं अलग। अरे वाह, कौन सा मोड सही लग रहा है? ये सही लग रहा है, तो ये अपन रख लेते हैं, इसको ब्लैक ही रहने देते, तो थोड़ा बैकग्राउंड ना मिक्सिंग सा हो गया है, तो ऐसा कुछ आ गया हमारे को, ठीक है। अच्छा, और क्या चाहिए मुझे? यहाँ पे कंटेंट देना है, पार्टी। अब मुझे यहाँ पार्टी लिखना है, तो देखो पार्टी यहाँ लाइव म्यूजिक पार्टी लिखना है, तो मैं पार्टी के लिए एक ऐसा फॉन्ट ले लेता हूँ, ऐसा कुछ, ये वाला सिग्नेचर वाला फॉन्ट, ठीक है। दो फॉन्ट कितने सही सही है यहाँ पे, आप अगर कोई लोगो बनाना चाह रहे हो तो लोगों के लिए भी फॉन्ट काफ़ी अच्छे अच्छे फॉन्ट है यहाँ पे। तो कौन सा फॉन्ट चाहिए मुझे? थोड़ा सा ऐसा, ये वाला फॉन्ट चाहिए, ऐसा स्टाइलिश वाला फॉन्ट, कर्सिव फॉन्ट, सर्च कर लेता कर्सिव, सारे आ जाएंगे। ये तो बहुत बोल्ड सा है, ये वाला नहीं यूज़ करेगा अपन, ये वाले में फ्लावर से लगे हुए, ये भी नहीं यूज़ करते। ये ले लेते हैं, डाउनलोड कर लिया यहाँ से। तो ऐसे काफ़ी सारी साइट्स हैं जहाँ पे आपको अच्छे अच्छे फॉर्म फॉन्ट मिल जाएंगे। क्या नाम है इसका? ये वाला, ये इसको राइट क्लिक किया, इंस्टॉल कर लिया, और इसका नाम हो गया बेटर ग्रेड। और यहाँ पे गए, मुझे पार्टी लिखना है, मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया, और यहाँ पे लिख देते पार्टी। पार्टी लिख लिया मैंने यहाँ पे, और इसका फॉन्ट का नाम क्या रखा था मैंने, जो भी डाउनलोड किया था, बेटर, ये फॉन्ट रख लिया हमने। इसको कैप्स लॉक को इसे वो कर देते हैं, बस ठीक है। और ये हम यहाँ पे उठा के तिरछा करके ऐसे रख देते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पार्टी इस तरीके से रख दिया। सेकंड मुझे क्या करना है, मुझे ना एक ना फ्लेयर सा इफेक्ट देना है, तो फ्लेयर इफेक्ट देने के लिए मैंने क्या करा, एक नई लेयर ली और इसके ऊपर ना ब्लैक कलर दिया ऐसे, और फिल्टर में गए, फिल्टर में एक ऑप्शन है रेंडर, और रेंडर में ऑप्शन है यहाँ पे लाइट लेंस फ्लेयर। तो लेंस फ्लेयर मैंने यहाँ से ही उठा के ऐसे रख दिया, तो ऐसे लेंस फ्लेयर का इफेक्ट आ जाएगा, ये आ गया। और मोड को चेंज कर लेते हैं, देखो कौन सा मोड रखना है। हेलो, रिकॉर्डिंग हो रही है, तो रही थी, कहाँ गई रिकॉर्डिंग? हो रही है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इससे म्यूजिक वाला जो सेक्शन था उसको मैंने ऐसे रख दिया यहाँ पे, तो इससे ये अलग से हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है। ये करा क्या है मैंने, मैंने देखो दोबारा बताता हूँ ये चीज़, मैंने ऐसा बनाया था, देन इसके बाद मैं फिल्टर के अंदर गया, फिल्टर के अंदर जाने के पहले मैंने एक नई लेयर ली और इसका कलर दे दिया ब्लैक कलर, और फिर मैं फिल्टर के अंदर गया, फिल्टर के अंदर मैंने यहाँ पे रेंडर का यूज़ किया, रेंडर में एक ऑप्शन था लेंस फ्लेयर, और लेंस फ्लेयर को मैंने उठा के यहाँ रख दिया इसे, और देन ओके करा, तो ये देखो इस पर फ्लेयर इफेक्ट आ गया। इसे स्क्रीन मोड दे देंगे, स्क्रीन मोड क्या करता है, ब्लैक कलर को रिमूव कर देता है। तो स्क्रीन मोड में क्या होता है, ब्लैक कलर रिमूव हो जाता है, वाइट वाइट कलर विजिबल होगा। और यहाँ से फिल्टर में जाके मैं इसको थोड़ा ब्लर भी मार देता हूँ, थोड़ा ब्लरी सा इफेक्ट आ जाएगा ऐसा, ठीक है। तो यहाँ ग्लो सा इफेक्ट आ रहा है बस हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से बन गया। अब आते हैं इसके अंदर, मुझे कंटेंट देना था कि कब है पार्टी, तो पार्टी है कब, 25 दिसंबर को। तो मैं यहाँ पे
यही वाला फॉन्ट यूज करूंगा, ये अच्छा फॉन्ट है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है, ये वाला फॉन्ट है मगीना, और इसी को यहाँ पे लिख देता हूँ 25 दिसंबर। अच्छा, ये हो गया हमारे पास। और टाइमिंग दे रहे थे, क्या टाइमिंग है पार्टी की? अच्छा, ये ना बार बार अब सेलेक्ट में आएगा तो मैं इसे लॉक कर लेता हूँ ताकि ये सिलेक्शन में ना आए। कहाँ अच्छा लगेगा ये? ठीक है, और फॉन्ट तो मुझे दब रहा है। अब कलर दे देते इसका वाइट, और यहाँ लिख देते अपन इसका फॉन्ट। मैं चेंज करता हूँ फॉन्ट, नहीं अच्छा लग रहा है ये। पॉपिंस तो होगा नहीं, इसमें रोबोटो यूज कर लेते हैं। अगर कोई फॉन्ट समझ में ना आए तो रोबोटो फॉन्ट डाल दो, ठीक है, पॉपिंस डाल दो। तो ये जो फॉन्ट है ये हमेशा हर डिज़ाइन में मैच कर ही जाते हैं। और आजकल ना एक ट्रेंड, एक इस तरीके से चल रहा है, लाइक आप ना ऐसा कर सकते हो, जैसे आपको इसमें थोड़ा गैपिंग गैपिंग कर दो, ठीक है, या इसको मैं ऐसे ही रख लेता हूँ, फॉन्ट के साइज़ को कम कर लेते हैं, सेक्टर 15 नोएडा। और यहाँ पे अपन ने क्या करा, ऐसे रख लिया इस तरीके से, और यहाँ मैं नीचे उसका नाम देता हूँ कि क्या नाम है, कहाँ पर है, तो मैंने यहाँ लिख दिया माई बार। तो इसमें मैंने क्या करा, इसमें मैंने गैपिंग दे दी ऐसे, तो यहाँ मैंने अच्छी खासी गैपिंग दे दी इस तरीके से कुछ। इसको उठा के यहाँ रख लेते हैं, तो ये हमारा ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है, थोड़ी कम कर लेते हैं। ये कैसे करा मैंने, ऑल्ट दबा के लेफ्ट की करी है, बीच में मुझे कुछ और लेके आना है यहाँ पे, यहाँ कुछ और रखना है, तो मैं क्या रख सकता हूँ यहाँ पे, न्यू ईयर पार्टी लिख देते हैं यहाँ पे। न्यू ईयर यहाँ पे रख लेते हैं, न्यू ईयर, और इसको यहाँ पे रख लेते हैं सेलिब्रेशन। यहाँ रख लिया हमने सेलिब्रेशन, तो डिज़ाइन आपके ऊपर है बाकी। तो अपन एक काम करते हैं, हाँ यहाँ पे रख लेते हैं सेलिब्रेशन, ऑपेसिटी डाउन कर देते इसकी, और इसका कलर दे देते हैं ब्लैक कलर। इसका कलर दे देते थोड़ा बढ़ा देते इसको। हाँ ये आ गया हमारे पास, कंट्रोल टी। ये आ गया, तो देखो हमारा ये पोस्टर जो है वो इस तरीके से बन गया। आया समझ में आपको? तो देखो हमने इस तरीके से यूज़ किया, ये तरीका है। अगर आपको कोई पोस्टर बनाने के लिए देता है तो आप न्यून इफेक्ट आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आपको कैटेगरी को समझना पड़ेगा कि कहाँ क्या कैटेगरी है, उसके साथ कौन सा फॉन्ट मैच करेगा। लाइक मुझे पता है म्यूजिक में ना ये फॉन्ट चल जाएगा, है ना, तो मैंने इसमें म्यूजिक में ये फॉन्ट यूज़ करा, लाइफ में मैंने ये फॉन्ट ले लिया, क्योंकि मैं थोड़ा लग्जरी फीलिंग दिखानी है। कि लग्जरी मतलब, अगर जो लेंदी फॉन्ट होते हैं ना ये तब यूज करते हैं जब ना थोड़ा सा लग्जरी वाली फील दिखानी होती है, ठीक है। तो ये लेंदी फॉन्ट यूज किया, एड्रेस नॉर्मल दिखाना था तो मैंने एड्रेस नॉर्मल फॉन्ट यूज कर लिया। स्पेसिंग से पता चल रहा है कि यहाँ पर हमारा जो है यहाँ पर है माई बार के अंदर, ठीक है। आजकल एक चीज और ट्रेंड में चल रही है कि आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे फ्रेम सा बना लेते हैं,
नई लेयर ले लेते हैं यहाँ पे, एडिट के अंदर गए, स्ट्रोक दे दी यहाँ पे 5 पिक्सल, कलर दे देता हूँ इसके अंदर वाइट कलर, और ओके कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, स्ट्रोक आ गई ऐसे। और सेकंड क्या करेंगे, जो जहाँ मैंने नाम लिखा था वहाँ जाना है, इतने एरिया को डिलीट मार देना है, इतने एरिया को डिलीट मार दिया है लेयर को। तो ये इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, यहाँ सेट कर दिया। अगर मुझे मोबाइल नंबर दिखाना है तो मैं यहाँ पे इतने एरिया को डिलीट मार देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ या मैंने इसका ये कम कर दिया, फॉन्ट का साइज कम कर लेते हैं। इसको घुमा देते हैं कंट्रोल टी, इसको मैंने यहाँ घुमा दिया ऐसे, इसे यहाँ रख लेते हैं, ये आ गया हमारे पास। तो ये देखो इस तरीके से बन गया ये हमारा, ठीक है। तो ये डिज़ाइन हमारा ऐसा कुछ हो गया, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया है। तो कोई चीज़ ऐसी नहीं लग रही जो मतलब जगह बच रही हो, इसको मैं चाहूँ तो और बड़ा कर सकता हूँ। ठीक है, तो देखो हमारे पास इस तरीके से बन गया डिज़ाइन, आया समझ में। बाकी आपको ऐड करना है इसके अंदर कुछ चीज़ें, वो ऐड हो जाएगी। हाँ यश, हाँ यश बता, क्यों यहीं पर है तो क्यों नहीं आता? क्या दे दिया था? अच्छा हाँ, चल ठीक है भेजता हूँ, ठीक है लिंक भेजता हूँ। इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, ये ऐसे ये सब यूज़ कर सकते हो। लाइक मैं ये कॉपी कर लेता हूँ ऐसी लाइट्स, और कैसे यूज़ करेंगे मैंने आपको बता दिया कि स्क्रीन मोड क्या होता है, ब्लैक कलर को रिमूव कर देता है ना। तो कॉपी किया अपन ने यहाँ पे से, और यहाँ पे मैंने क्या करा, पेस्ट कर दिया इसके ऊपर, पेस्ट कर देते हैं कंट्रोल वी, पेस्ट कर दिया कंट्रोल टी करा, इसे मैंने ऐसा रख दिया, ठीक है। और इसके मोड को क्या करेंगे, स्क्रीन मोड, तो स्क्रीन मोड ये आ रहा, और इसकी ऑपेसिटी क्या कर देते हैं, डाउन कर देते हैं बिल्कुल, हल्की हल्की लाइटिंग सी चाहिए बस। इमेज के पीछे रख दो तब भी मैच कर जाएगा, देखो इस तरीके से, ठीक है। और थोड़ा ब्लरी मार देते से, फिल्टर में जाके ब्लर और गॉसियन ब्लर, तो पीछे लाइट सी आ जाएगी। इतना ही अमाउंट देना है ताकि ना बस सिर्फ ना न्यून सा इफेक्ट दिखाई दे, ठीक है। ये नहीं आपने पूरी लाइट ही लाइट लगा दी पीछे, तो आपको सिर्फ इतना सेक्शन करना है। मैं जरा इसके ऊपर और लगा देता हूँ यहाँ पे, तो एक नई लेयर और ली मैंने यहाँ पे, और फिर से मैंने ब्लैक कलर डाला, और मैंने फिर से फिल्टर में गया, फिर से मैंने रेंडर पे क्लिक किया, और यहाँ पे मैंने फिर से कौन सा यूज़ किया, लेंस फ्लेयर, और ये चीज़ मुझे चाहिए यहाँ पर, और ओके कर दिया। तो इधर भी आ रहा है ये सेक्शन, और इसके मोड को भी मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे स्क्रीन मोड ये आ गया, ठीक है। अपन क्या करते हैं, इतना करने के बाद इस लेयर को मास्क कर देते हैं ऑल्ट दबा के, और जी दबा के ग्रेडियंट लेते हैं, और यहाँ पे हम ऐसे हल्का सा ग्रेडियंट मार देते हैं ताकि जहाँ दिखाई देना है वहीं पे आ जाए बस इफेक्ट। तो देखो ये पोस्ट हमारी इस तरीके से बन गई, जिसके अंदर हमने न्यून इफेक्ट यहाँ पे यूज़ किए हैं, ठीक है। और कहीं से कोई रेफरेंस नहीं लिया हमने, हमने सारी चीज़ें खुद से डिज़ाइन करी है। क्लियर है ना, आपको समझ में आया ना कैसे यूज़ करते हैं?
ठीक है, किस तरीके से हमें ग्लो करते हुए दिखाना है, तो आप दो चीजों से ग्लो करते हुए दिखा सकते हैं, एक तो ब्लर, ठीक है, एक तो ब्लर करके, और सेकंड थिंग क्या करोगे आप उसके अंदर ब्रश से, ठीक है, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, तो क्लियर है ना, इतना बनाना है। अब आपने आज आना दो मूवी के इसके तरीके से मूवी के या म्यूजिक के पोस्टर डिजाइन करने हैं, ठीक है, नियोन इफेक्ट से। और भी देखना, जरूरी नहीं जैसा मैंने कराया वैसा ही करो, उतना वो तो करना ही करना है, उसके अलावा गूगल किया करो, नियोन इफेक्ट सर्च किया करो, रेफरेंस लो और बनाओ, ठीक है, हर एक टॉपिक जो मैं कराता हूँ गूगल भी किया करो, क्योंकि 1 घंटे में मैं कुछ ही टॉपिक करा सकता हूँ, और आप अगर गूगल करोगे तो वही टॉपिक से रिलेटेड आपको टूल तो आ ही जाएगा, और दो तीन चीज़ें ढूंढोगे तो और मर्ज हो जाएगा, हमारे पास पोर्टफोलियो बन जाएगा एक अच्छा, ठीक है। तो आप ऐसे ऐसे फैक्ट्स निकालो और इस तरीके से यूज़ करके देखो उसको। तो देखो पीछे बैकग्राउंड अगर मैं यही लगा दूं तो ये भी अच्छा लग रहा है ना। हाँ एक सेकंड रुको। तो देखो मिक्सिंग करके हमने पूरा इस तरीके से सेट कर दिया। हाँ ये अच्छा लग रहा है, गुड। हाँ ये ना थोड़ा, हाँ, ये जो है ना ये सेक्शन, ये थोड़ा मार्जिन में रखा करो, बाकी अच्छा बना है, ये विजिबिलिटी कम आ रही है इसकी, ये हाँ हाँ तो ऑपेसिटी कम मत करना है ना, ज़्यादा सही रहता, ठीक है। तो आप लोगों ने भी क्या करना है, ऐसे ना पोस्टर ढूंढने हैं, ठीक है, और पोस्टर डिज़ाइन करने हैं, तो ऐसे पार्टी पोस्टर बनाने हैं। आप लोगों क्लियर है ना? हेलो हेलो हेलो, हाँ क्लियर है ना आपको, समझ में आया आपको? रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी ना सर, रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी ना, कोई बात नहीं, बनाना से देख के स्टेप बाय स्टेप करके देख, ठीक है।